नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। शायद ही भारत के लोकतंत्र में आज जैसा कभी और दिन रहा हो। एक ही दिन में 92 MPs, एक नहीं 92 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के MPs को मिलाकर आज एक दिन में 92 MPs को सस्पेंड किया गया है। और ये MPs क्या कह रहे थे? इन MPs की, जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उनकी एक ही डिमांड थी कि गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से एक स्टेटमेंट आए कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है, संसद की सुरक्षा में जिस तरीके की चूक देखी गई थी 13 दिसंबर को, वो कैसे हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह को कुछ ना कुछ इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अब इसी बात को लेकर आज एक साथ 92 MPs को सस्पेंड किया गया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 92 MPs को सस्पेंड करने से अच्छा था कि जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे सभी को सरकार सस्पेंड कर देती। तानाशाही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चरम सीमा पर है। ऑपोजिशन चाहिए नहीं, संसद अगर चलनी नहीं है तो फिर किस तरीके का लोकतंत्र मोदी सरकार बनाना चाह रही है? आज बहुत सारे बड़े बड़े MPs आज सस्पेंड हुए हैं, जिनमें से हमारे साथ इस समय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। थैंक यू सो मच नासिर फॉर ज्वाइनिंग ऑन न्यूज लॉन्चर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका भी नाम था, मैं देख रही थी, जो सस्पेंडेड MPs थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली आज सदन के अंदर? और थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किस चीज पर ये इतना बवाल हुआ कि एक दिन में संसद में 92 MPs को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, पूरा देश जानता है कि पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है, हम लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं, किस तरह से जहाँ पे 700 से ज्यादा MPs बैठते हैं देश के बारे में डेलिबरेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और देश के लिए फैसले लेने के लिए, वो जो हमारे हिंदुस्तान की टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो इसको हम कहते हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहां अगर वो बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है, अगर आपके 700 से ज्यादा इलेक्टेड MPs सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार इनको अगर सुरक्षा दे नहीं पाएगी तो देश को कैसा सुरक्षित रखेगी? ये बहुत बड़ा सवाल इस सरकार के सामने आता है। हम लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के अंदर आता है, तो होम मिनिस्टर आए लोकसभा राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दें। आमतौर पे तो आते ही हैं वो, और कश्मीर के ऊपर बिल थी और जो भी बिल्स उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल्स पे तो आते ही हैं। जब अपोजिशन मांग कर रही है तो कौन सा ऐसा ईगो इनको है, कौन सा ऐसा एरोगेंस इनमें आ गया है, और ये ब्रूट मेजोरिटी की वजह से इनको लग रहा है कि मतलब पूरा देश ये कुछ भी मनमानी कर लें, देश जो है इनको माफ कर देगी। जब भी पार्लियामेंट सेशन में रहता है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की 75 साल की हिस्ट्री में यही देखा गया कि कोई जब कोई बड़ी घटना होती है, कोई अनफोर्सिन डेवलपमेंट हो जाता, देश विदेश में कोई हादसा हो जाता, जब उस मिनिस्ट्री के कंसर्न मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आके पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर करते हैं वहां पे, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं रहता, आप कहीं से भी जाके बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप जैसा भी आप लोगों को संबोधित करना, देशवासियों को संबोधित करना कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री, चाहे मणिपुर के मुद्दे पे हो या पहले कई मुद्दे जिनके ऊपर हम लोग स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे, ये ही चूजेस नॉट टू अटेंड द पार्लियामेंट और जाएंगे किसी पब्लिक मीटिंग द्वारा, चुनावी सभा द्वारा, किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है वो पार्लियामेंटेरियन को बात करने की कोशिश करेंगे। ये इनका ये हाई हैंडेडनेस जो है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, इन और स्कैंट रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इनका जो पिछले 8-9 साल, 9-9.5 साल से देखा गया है, इनका यही रवैया हुआ है। हम बेसिक मिनिमम हमारी मांग थी, लिमिटेड फोकस था, हम ये पूछ रहे थे स्टेटमेंट आके दीजिए कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कैसा हुआ, कौन सा MP है जो इनको पासस दिया। कहा जा रहा है कि वो 2 बार पहले आके रेकी करके गए थे, वो कैसे आए थे, किसके पासस पे आए थे, और कौन सी संस्था इसके पीछे इन्वॉल्व है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी पोलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनकी मंशा क्या थी, क्या मुद्दे ये उठा रहे थे, ये क्या अवेयरनेस लाना चाह रहे थे या कोई इश्यूज हाईलाइट करना चाह रहे थे, ये इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप इन्होंने क्यों लिया, ये तमाम चीज को लेके बहस होना चाहिए और चर्चा होना चाहिए, और चर्चा पार्लियामेंट से बढ़िया जगह और कोई हो नहीं सकती थी। हम इसकी लेकिन नासिर, लगातार कर रहे थे। जो MP, जो भारतीय जनता पार्टी का MP है, जिसने इन लोगों को पासस दिया, जिसने इन लोगों को अपनी गाड़ी में लेके आया,
वो सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा के ऊपर डिस्कशन की मांग या स्टेटमेंट की मांग करते हैं वो एमपी सस्पेंड होते हैं। ये इनका यही रवैया पिछले 9 साढ़े 9 साल से सरकार का रहा है। आई डोंट थिंक देयर हैज बीन एनी इंसिडेंट जहां पे 92 एमपीज को सस्पेंड किया गया। ये चाहते हैं अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट, ये चाहते हैं डिबेट और डिस्कशन लेस पार्लियामेंट, ये चाहते हैं डायलॉग लेस पार्लियामेंट, ये चाहते हैं सिर्फ जो है मोदी जी और अमित शाह जी जो कहें वो देश माने। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल भी उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में जो सुरक्षा की चूक का मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट दे। तो क्या उससे सरकार की मंशा पता नहीं चलती कि आखिर मोदी जी क्या चाहते हैं? उनके लिए जवाब देना ऑपोजिशन को या संसद में कोई स्टेटमेंट देना होम मिनिस्टर का, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है? देखिए, चाइनीज आर्मी घुसपैठ करती है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हड़प लेती है, हत्या लेती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेजी से हमारे बॉर्डर्स पे बढ़ता है, उनकी गवर्नमेंट की ऑफिस वहां पे इंस्टॉल हो जाती है, हाईवेज बिल्ड करते हैं, ब्रिजेस बिल्ड करते हैं और टावर्स, आपके टेलीफोन टावर्स वहां पे इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब चर्चा की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि भाई देश के सुरक्षा का मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते। हमने कहा पार्लियामेंट में मत डिस्कस करें, अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाएं, उनको ब्रीफ करें कि आखिरकार क्या कैसा इतनी जमीन उन्होंने हथिया लिया, क्या हो रहा बॉर्डर पे, कितने स्क्रिमिशेस हुए, कितने स्कफल्स हुए, कितनी फायरिंग हुई, कितने लोग मारे गए, इसकी कोई पार्लियामेंट को अगर आप नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तो हम बोले कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, अपोजिशन पार्टीज की एंड ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला के उनके लीडर्स को कम से कम बताओ, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद मणिपुर का मुद्दा आया, इतनी घिनौनी वहां पे हरकतें हुई, इतने गंदे तरीके से वीडियोस बाहर आए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हुए, हजारों लोग जो मालूम इसमें टेंट्स में जी रहे हैं। आज भी वो तो कह रहे थे कई लोग हथियार डाल दिए, लेकिन आज भी आज के दिन भी फायरिंग भी है, आज के दिन भी एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग कर लिए हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन रहे तो हम बोले कि डिस्कशन की मांग होना है। अब इसमें क्या मामला, इंटरनल सिक्योरिटी मामला है, दो हिंदुस्तान के दो ग्रुप्स, दो ट्राइबल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के खून के पैसे हुए हैं, इसमें डायलॉग होने चाहिए, एक रास्ता निकलना चाहिए। अब जब डिबेट होता है, जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, वे फॉरवर्ड निकलता है, लेकिन प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए, ना यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, ना डिस्कशन की मांग हमारी जी थी जो उसका पूरा किए। तो इनकी इनकी मंशा है कि हमें मेजोरिटी मिल गई, लोग हमें वोट दे दिए, हमारे इतने सीट्स हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी में इनका यकीन है ही नहीं। ये चाहते हैं कि इनकी मनमर्जी से जो ये पार्लियामेंट चलाएं, ये पार्लियामेंट को कुछ बताना नहीं चाहते, वहां चर्चा की हम मांग होती है तो उसको दरकरार कर देते हैं। ये ब्रूट मेजोरिटी से, एरोगेंस से और ऑटोक्रेसी से ये पार्लियामेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नासिर, अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचा है? अब इतने सारे जब एमपीज सस्पेंड हो गए हैं और अब पार्लियामेंट कुछ ही देर, 1 या 2 दिन का पार्लियामेंट है, 22 तारीख को पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, तो कैसे इस इशू को बढ़ाएंगे? कल इंडिया अलायंस की भी बैठक है, तो क्या कुछ ऑन मैस रेजिग्नेशन के जैसा कोई स्ट्रेटजी पर क्या विपक्ष काम कर रहा है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि अगर सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे एमपीज के द्वारा तब शायद कुछ हो, लेकिन जब ये सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसने अपने कान में तेल डाल लिया है, तो ऐसी सरकार के आगे आपके पास क्या ऑप्शंस है? देखिए, अब भले ये सरकार कुछ भी करे, हम लोग ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी पार्लियामेंटेरियन। हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में विरोध और सवाल जवाब के लिए जगह होना चाहिए और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं। हम लोगों ने तो ये हमारा जो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, जो वेल ऑफ द हाउस में जाके हम लोग जो नारे लगे, यानी तो हम लोग आवाज किए, यानी तो अपनी जगह में खड़े हुए के, अपनी सीट पे खड़े हुए के जो मांग कर रहे थे, ये वैलिड जायज मोड ऑफ प्रोटेस्ट है। मैं तो उनकी बात उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, हम तो ये जायज मोड ऑफ प्रोटेस्ट की मोड ऑफ प्रोटेस्ट जो हम अपना रहे हैं। लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय अनिल जेटली जी, इन दोनों ने कहा था
डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड इट इज द राइट ऑफ द अपोजिशन। हम ये तो डिसरप्शन नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो हम हंगामा कोई खड़ा नहीं किए, हम तो सिर्फ मांग कर रहे थे। नासिर, जब आप डिसरप्शन की बात करते हैं तो आप अगर ट्विटर उठाकर देखिए तो सरकार के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन इस बात को कह रहा है कि डिसरप्शन उनका राइट है तो ये सरकार का राइट है कि संसद को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, तो सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने सारे एमपीज को सस्पेंड कर दिया। अब ये जो डेडलॉक की स्थिति आ गई है, अब ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? एक ही दल के चुने हुए लोग बैठ के आपस में डिसाइड कर ले रहे हैं, तो वहां पे उस चीज की बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो है गवर्नमेंट डिसाइड करें, सबको ऑनलाइन वोटिंग करवा लें, हाथ उठाएं जूम कॉन्फ्रेंस में और पास कर दें। अरे भाई, पार्लियामेंट का मतलब है स्पेशली हमारी कंट्री की जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और हमारी डाइवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग अलग जात पात के लोग आते हैं, धर्म के लोग आते हैं, अलग रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, जो ये सारे लोगों को अपनी बात रखने की जगह को हम पार्लियामेंट कहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सारे अपोजिशन को हटा दो, अगर आपको ये लगता है कि हम अकेले जो हम कर लेते, फिर कर ले, पार्लियामेंट खत्म कर दें। बात तो कर ही रहे हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात तो कर ही रहे हैं आप लोग, हर चीज में जो हम एक मजहब, एक धर्म, एक भाषा, ये एक झंडा, पता नहीं क्या क्या, एक ही होना चाहिए। तो एक पार्टी का रूल कर दीजिए, आपको कोई पार्टी और दूसरी पर, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज कंट्रीज में चलता है वन पार्टी रूल, वैसा वन पार्टी पार्टी रूल यहाँ पे भी कर लें। मतलब ये बेसिकली जो है अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको डेमोक्रेसी में और डाइवर्सिटी में कोई इनका यकीन है। हमारे सामने जो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपना सकते हैं, वो तमाम वैलिड पार्लियामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों ने अपनाने की कोशिश की। दोनों हाउसेस में नोटिसेस दिए डिस्कशन के लिए, दोनों हाउसेस में येलो पीस उठ के बात रखी अपनी, दोनों हाउसेस में हम लोगों ने हमारे सीट पे खड़े होकर प्रोटेस्ट किए, दोनों हाउसेस में वेल ऑफ द हाउस जाके प्रोटेस्ट किए। आप मुझे, मैं बहुत ही सिंपल चीज बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आके 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का एक स्टेटमेंट कि क्या हुआ, कहाँ चूक हुई, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है और आने वाले दिनों में इस चीज को कैसा ये सुधारेंगे, क्योंकि ये लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स खर्चा करके एक पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, इतना उसका हाइप क्रिएट इन्होंने किया। इन्होंने प्रधानमंत्री जाके वो चेयर्स के नीचे झुक झुक के देख रहे थे कि सब ठीक है या नहीं है, वो फोटोज बाहर पब्लिक डोमेन में आ रहे थे। तो वैसी जगह जो बोला कि फुल प्रूफ है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, तो ये ब्रीच कैसा हुआ ये एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं। इनके लिए शर्मनाक चीज हुई है और इन्हीं का एमपी इन्वॉल्व है। भैया महुआ मित्रा को, जिसके बारे में कोई कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि उसने कैश लिया है सवाल के लिए, कैश फॉर क्वेश्चन जो है उसको तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। हर आदमी अपने पीएस को लगा के क्वेश्चंस जो है अपलोड कराता है, उन्हें अपने फ्रेंड को यूज करके क्वेश्चंस अपलोड किया होगा, कैश थोड़ी ली है वो उसमें। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वहां पे चांस नहीं दिया। अगर उसमें कैश फॉर क्वेश्चन करके बोल के झूठ मूठ बोल के महुआ मित्रा को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपका एमपी पासस जो दिया है कैश फॉर एंट्री पासस कुछ हुआ है क्या, तो चेक कर लीजिए क्या रीजन है आपकी पार्टी का आप नहीं बोलते हैं उनको, जबकि एक बंदा उसमें मोदी फैन निकला हुआ है, आपकी पार्टी का नहीं है बोलते हैं, आप कहते हैं ऐसा ही दे दिया। आखिर ये एमपी क्यों दिया, कैश लिया उनके पास, इज ही ऑल्सो ये पार्ट ऑफ ए डीपर कॉन्स्पिरेसी, या नहीं उसको कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि बस इतना ही जो है आके आप हाउस के अंदर जवाब दे दीजिए। क्या एरोगेंस आखिर इतना इस सरकार का है कि अपोजिशन जो भी पूछेगी हम वो नहीं बोलेंगे, हम जो बिल लेके आते हैं उसके ऊपर आप बात कीजिए बस। नहीं, लेकिन नासिर, आपको लगता है कि एक एमपी को बचाने के लिए, प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए 92 एमपीज को अगर सरकार ने सस्पेंड किया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आज के दिन जब 92 एमपीज को सस्पेंड किया है, क्या मैसेज दे रही है सरकार पूरी दुनिया को आज? नहीं देखिए, एक तो 92 एमपीज को सस्पेंड करके ये मैसेज देना चाह रही है कि माई वे और हाई वे, हम सदन को अपने हिसाब से चलाएंगे।
हम जो चाहते हैं वही इस देश में होता है, हम जो चाहेंगे वही बिल्स पास होंगे, हम जो जैसा चाहेंगे वैसा ही ये पार्लियामेंट चलेगा, ये इनका एक तरीका है। दूसरा, आप जैसा कह रहे हैं कि वो एक एमपी को बचाने की पूरी कोशिश है, आप मैं मोआ मित्रा का आपको मोहत्रा का आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वहां पे जो है बिना कोई कार्रवाई उनकी बिना कोई कार्रवाई बिना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। राहुल गांधी जी का कोर्ट का वहां पे अभी कोर्ट की कॉपी की जजमेंट कॉपी भी यहाँ नहीं पहुंचती है तो इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे क्लियर ओपन एंड शट केस है और पूरे हिंदुस्तान को मालूम, पूरी दुनिया को मालूम किसने लेके आया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सस्पेंड आप नहीं करेंगे, उसको बचाने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ में इनके लिए सबसे बड़ा शर्मनाक मामला यह है, इनके 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 चेहरे पे जो चाटा, इनके गाल पे जो चाटा पड़ा है, ये जो 56 इंच का छाती की बात जो करते हैं, ये मैचोइज्म जो दिखाते हैं, ये चाइनीज बॉर्डर पे कंप्लीटली फेल्ड है। इनकी झप्पी और पप्पी जो डिप्लोमेसी थी वो फेल्ड है, क्योंकि पीएम केस में इन्होंने सवों के चाइनीज कंपनी से जो है पैसा ले रखा है, उनके वहां से जो इंपोर्ट्स जो हमारे देश में आ रहे हैं उसमें जो उसको वो इंपोर्ट जो आ रहे हैं उसको बैन नहीं कर पा रहे हैं लोग, ये इनकी वहां पे चाइनीज बॉर्डर पे ये जो इनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इनको हर जगह पे नाम के लिए 56 इंच की छाती के बारे में तो जिक्र तो करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अल्टीमेटली छोड़िए, ये तो सब ठीक है, अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट हाउस इन्होंने इतना हाइप क्रिएट करके जो बनाया है, जो जो स्टार्ट किया है, वहां पे ये 700 से 750 जो एमपीज बैठते हैं उन एमपीज को भी सुरक्षा दे नहीं पा रहे, इनके लिए बहुत ही सर झुकाने वाला ये मामला आया है। तो ये नहीं चाहते इसके ऊपर दिन भर का डिबेट चले, ये नहीं चाहते कि दिन भर का इसके ऊपर डिस्कशन चले, ये नहीं चाहते कि जो हम पूरा देश इनका जो फेल्यूर्स रहे हैं वो फेल्यूर्स के बारे में देश जाने, ये इनकी मंशा है। नहीं, लेकिन नासिर मुझे ये बताइए कि आज इस पर भी बात करने की जरूरत है कि चाहे वो राज्यसभा के चेयरमैन हो या लोकसभा के स्पीकर हो, उनके रोल पर क्या कहना है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार उनसे भी गुहार लगाई गई लेकिन कितने एमपीज का मैटर तो प्रिविलेजियस कमिटी में भी पहुंच गया है, तो चेयरमैन के रोल पर और स्पीकर के रोल पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं देखिए, एक तो अल्टीमेटली सरकार चलाती है सदन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी दैट द हाउस फंक्शंस आर द पार्लियामेंट फंक्शंस एंड द पार्लियामेंट फंक्शंस सक्सेसफुली। बात विवाद हो सकता है, सवाल जवाब हो सकता है, लोग बिल्स के खिलाफ वोट कर सकते हैं, लोग अपनी बात रख के वॉकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज पार्लियामेंट हो सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुली पार्लियामेंट चलाना इट इज एन आर्ट एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे। दे हैव कंप्लीटली फेल्ड हियर। और इनका 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 प्रॉब्लम ये है कि अब वो सरकार तो वो चला नहीं पा रहे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो और वो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन हो, तो इसीलिए जो है ये अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं डराने के धमकाने के। अभी आप किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, रूल क्या है? रूल ये है जिस सेशन में कोई अगर गलत तरीके से बयानबाजी करे, या नहीं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन करे, या नहीं तो कोई अनपार्लियामेंट्री तरीके से बिहेव करे, हुलिगनिज्म में इन्वॉल्व हो, तो उसको अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं, यू कैन ओनली सस्पेंड हिम फॉर द रिमाइंडर पार्ट ऑफ दैट सेशन। लेकिन इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया, इन्होंने क्या किया है, अच्छा एक सेशन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर अगले सेशन में आ जाएंगे, फिर जो है आके फिर सवाल सरकार को करेंगे, तो इसीलिए उनको तंग करो, ब्लैकमेल करो और उनकी आवाज दबाओ। कैसा? आप उनको बोल दो कि प्रिविलेज कमिटी में या एथिक्स कमिटी में उनका मामला भेज दिए, उनको बार बार समन करते रहो, उनको पूछते रहो और उसकी रिपोर्ट सबमिट ना करो ताकि वो लटके रहे और वो डर के जो है कुछ बोले ना। तो ये आवाज दबाने के लिए जो जो तरीका अपना सकते हैं ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी के रोल की बात रोल के बारे में बात करने से ज्यादा मैं पूरा जो है दोष सरकार को दूंगा, क्योंकि ये सरकार जो है ये आवाज दबाने वाली कॉन्स्पिरेसी में प्राइम अक्यूज सरकार है।
लेकिन नासिर, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि संसद में भी जो डंडा राज है सरकार का, वो एक तरीके से शुरू हो गया है और आज तो बिल्कुल प्ले आउट हुआ, बिल्कुल फुल सीन में, जो संसद के अंदर जो सरकार का डंडा राज है। ये जैसा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जहां जहां इनके सरकारें हैं, जैसा वहां पे गरीब लोगों के घर और मकान पे माइनॉरिटीज और दूसरे लोग जो इनके वोटर्स नहीं हैं, यानी इनके खिलाफ जो आवाज करते हैं, उनके घरों पे, मकानों पे, उनके ऑफिसर्स पे, उनकी बिजनेस जगहें पे जिस तरह से ये बुलडोजर चला रहे हैं, उसी तरह से हमारी पार्लियामेंटरी परंपराएं पे ये जो है आज बुलडोजर चला दिया है इन्होंने। ये बुलडोजर चलाकर ये हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर, हमारे डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पेस, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, इसके ऊपर बुलडोजर चला के ये फैसिस्ट तरीके से, एक ऑटोक्रेटिक तरीके से ये सरकार चलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस नासिर आपसे, कि हम अभी तक सिर्फ बात करते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने और या बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र की बिल्कुल अवहेलना की है, उसका अपमान किया है, लेकिन क्या आज जिस तरीके से इतने सारे सस्पेंशन हमने देखे हैं, क्या आज ये कहना सही नहीं होगा कि अब संसद केवल और केवल एक कठपुतली बनकर रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में? देखिए, ये आप लोग जो है एक चीज को समझना चाहिए, इनकी मोडस ऑपरेंडी को और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को समझने की जरूरत है। गुजरात में इन्होंने क्या किया, दो लोग ये वहां पे इन्वॉल्व थे, यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे, यही होम मिनिस्टर वहां पे इन्वॉल्व हुआ करते थे हर चीज में, तो वहां पे भी ऐसा ही इन्होंने किया। वहां पे सदन चलता नहीं था, असेंबली चलती नहीं थी, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वो असेंबली में जाते ही नहीं थे, जो वहाँ अपोजिशन के लोग प्रोटेस्ट करते थे, आवाज उठाते, उनको सस्पेंड कर देते थे, कोई डिबेट डिस्कशन कुछ नहीं, वन वे ट्रैफिक चलता था, एक ही पार्टी का जो है वही बिल लाएंगे, वही हल्ला करेंगे, वही हाथ उठाएंगे, वही पास करके चले जाएंगे, वही वो ये जो गुजरात मॉडल कहते हैं ना, मैं पाम बेचारों को, गुजरातियों को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, वो भी अपने भाई बहन है, अपने ही देश का एक हिस्सा है, एक स्टेट के लोग हैं, मैं गुजरात मॉडल नहीं बोलूंगा, ये नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल, नॉट गुजराती मॉडल, ये नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल, ये मॉडल वहां पे उन्होंने अपनाया था, उसको ही जो है हम एक बड़े थिएटर में, एक बड़े कैनवस पे जो हम वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ये पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें, और इनकी मनमानी के तरीके से एक मेजोरिटेरियन रूल जो हम इस देश में चलाने की और लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी डाइवर्सिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाह रहे हैं, हमारा खूबसूरत इतिहास को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हम वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वो हमारा हमारी जो लेगेसी, वो हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट, हमारी आजादी आंदोलन के जो हमारे के आजादी के आंदोलन के जो फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, उनके जो सपने थे, उस तमाम को चिकना चूर करके एक फैसिस्ट तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी में फैसिज्म है और ये फैसिस्ट लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नासिर, आपको क्या उम्मीद लगती है कि क्या विपक्ष ऐसी फैसिस्ट फोर्सेस के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्योंकि जब एक-एक करके सबको जेल भेजा जा रहा है, सबकी आवाज को बंद किया जा रहा है, कितनी ताकत विपक्ष में बची रहेगी? और अभी 2024 के चुनाव भी हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है आपको कि किस तरह से विपक्ष अब खड़ा होगा के खिलाफ? देखिए, एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, दुनिया भर में या तो फैसिज्म यानी तो गवर्नमेंट्स विद फैसिस्ट टेंडेंसीज कई जगह दुनिया भर में अलग अलग देशों में आए हैं, उनका भी पीक आया है, उसके बाद में वहां के लोगों को पता चला, वहां के लोग उस फैसिज्म को और फैसिस्ट टेंडेंसीज को क्रश किया है और दोबारा डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर और लिबरल माइंडेड लोगों को के हाथ में सत्ता दी है। हमारा अपोजिशन जो एक आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करती है, एक खूबसूरत हमारी जो डाइवर्सिटी है उसमें बिलीव करती है, इस डाइवर्सिटी को जो सेलिब्रेट करने की जो बात करती है, ये फोर्सेस जो कल फिर दोबारा मिल रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम पे, ये फोर्सेस अब एक होना चाहिए, इस तरीके के इस दिमाग के लोगों को ये करना चाहिए, और वो आने वाले दिनों में ये करेंगे हम लोग। हम जो है हर दिन हर क्षण इनके पॉलिसीज को, इनके फैसिस्टिक टेंडेंसीज को,
इनकी तानाशाही को जो हम रेसिस्ट कर रहे हैं, जो हम लड़ रहे हैं, ये रेसिस्टेंस और ये लड़ाई हम लोग को जारी रखना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं जब लोग समझेंगे। आज पूरे देश को समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी कि 92 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप सस्पेंड करके आप पार्लियामेंट चला रहे हैं। तो सबको समझ में आ जाएगा वो दिन दूर नहीं जो इस तानाशाही के और इस फासिस्ट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को लोग खत्म करेंगे और वापस जो है प्रोग्रेसिव सेक्युलर लिबरल माइंडेड लोग और पार्टी दोनों जीत के सत्ता में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नासिर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।